Hey guys, myself Chetish, welcome back to new astrophotography video. दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको ग्रेट ग्लोबुलर क्लस्टर कैप्चर करके दिखाने वाले हैं जो कि हरकुलिस कॉन्स्टेलेशन के अंदर आता है। दोस्तों आज का ये जो वीडियो होने वाला है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो क्लस्टर है हमारे अर्थ से 22,180 लाइट ईयर दूर है, तो काफी सारे टर्टल्स आने वाले हैं इस क्लस्टर को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि दोस्तों मेरे पास सिर्फ 76 मिलीमीटर डायमीटर टेलीस्कोप है जिसकी फोकल लेंथ सिर्फ 700 मिलीमीटर है, जो कि काफी ज्यादा नहीं होती इस क्लस्टर को कैप्चर करने के लिए, लेकिन ट्राई करूंगा। और ये भी मैं बता दूं, मेरे पास कोई गो टू माउंट नहीं है, मैं अपने मैनुअल टेलीस्कोप से इसको ट्रैक करने वाला हूं ग्रेट ग्लोबुलर क्लस्टर को, और काफी गजब के रिजल्ट्स भी आने वाले। लेकिन सबसे पहले होगा वेदर, वेदर अच्छा होगा तभी हम लोग इसको कैप्चर कर पाएंगे। आप यहां पर देख सकते हैं, तो हमारे सर के ऊपर क्लाउड्स तो नहीं है इस समय, और वेदर कंडीशन भी काफी अच्छा है। यहां पर आप लोग धूप भी देख सकते हो, काफी खतरनाक यहां पर निकला हुआ है। तो चलिए दोस्तों, तो अंदर चल के बात करते हैं आप लोगों से। तो गाइस, जो हमारा ग्रेट ग्लोबुलर क्लस्टर है, हम लोग उसको NGC 6205 स्टार क्लस्टर कहते हैं, जो कि हमारे अर्थ से 22,180 लाइट ईयर दूर है, और जो उसकी स्टार है 72 लाइट ईयर के रेडियस में फैले हुए हैं, और इसकी जो एज हो रही है, बताया जा रहा है कि 11.5 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं इस क्लस्टर को हमारे यूनिवर्स के अंदर क्रिएट हुए। और आप लोग ये भी जानते होंगे इसको मेसियर 13 भी कहते हैं। पर एक नोटिस करने वाली बात यह है कि आप लोग यहां पर अगर ध्यान से देखो, यहां पर ह्यूज क्वांटिटी में स्टार है, मतलब लाख से भी ज्यादा यहां पर स्टार एग्जिस्ट करते हैं हरकुलिस कॉन्स्टेलेशन के अंदर। ये जो क्लस्टर है ग्लोबुलर क्लस्टर, इसके अंदर लाख से भी ज्यादा स्टार है। तो आप लोग सोचिए, थोड़ा सा माइंड को एक्सपेंड करिए और ये सोचिए कि यहाँ पर तो लाइफ पॉसिबल हो सकती है। जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, उसमें एक अर्थ है, वहाँ पर लाइफ है, वैसे भी वहाँ पर भी कोई सोलर सिस्टम होगा, वहाँ भी कोई एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ रहती होगी, तो ये हो सकता है। आपको लग रहा होगा पागलों वाली बात है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारे साइंटिस्ट ने 1974 में ग्लोबुलर क्लस्टर के ऊपर एलियन मैसेज को सेंड करा, वो भी रेडियो टेलीस्कोप के थ्रू, जिसे आर्सीबो मैसेज भी कहते हैं, और ये आर्सीबो ऑब्जर्वेटरी स्पेन में है, लेकिन 2017 में ये क्राइसिस के कारण तबाह हो चुकी है, और ऐसे ही दिखने वाला मतलब सेम रेडियो टेलीस्कोप चाइना में खोला गया है, ये आपको पता ही होगा। हमारे साइंटिस्टों ने बाइनरी सिस्टम के द्वारा यहां पर मैसेज को सेंड करा था, जिसमें हमारे ह्यूमन रेस के बारे में डिटेल थी, अर्थ पोजीशन के बारे में डिटेल थी, एटॉमिक नंबर के बारे में डिटेल थी, और हमारा अर्थ कब क्रिएट हुआ सब के बारे में यहां पर डिटेल इनक्रिप्ट करके M13 के ऊपर भेजा गया था। आज के समय में इस मैसेज को भेजे 49 ईयर्स हो चुके हैं, और शायद ये मैसेज पहुंच भी चुका हो और एलियन को मिल भी चुका हो, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं आया है, क्योंकि बताया जा रहा था, अभी रूमर्स फैला था कि वहां से मैसेज आ चुका है, वो भी सिर्फ इसके लॉन्च के 21 साल बाद 2001 में, कि मैसेज वापस आ चुका था। देख सकते हैं आपको कुछ इस तरीके का मैसेज देखने को मिल रहा है, जो कि क्रॉप फॉर्म में आया था, लेकिन मुझे तो ये फेक लग रहा है। आपको ये फेक लग रहा है कि रियल लग रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। दोस्तों काफी ज्यादा डिटेल हो गई, अब अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और कैप्चरिंग करना स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अभी शाम का समय हो चुका है, यहाँ पर हमारे ऊपर काफी सारे क्लाउड्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, काफी सारे क्लाउड्स हैं हमारे ऊपर, शायद आज हम लोग फोटो ना खींच पाए, लेकिन हम लोग कोशिश तो जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ मून एकदम विजुअल है, एकदम अच्छे तरीके से। हमारे सर के ऊपर तो क्लाउड नहीं है, लेकिन हमारे अगल बगल काफी सारे क्लाउड्स है, हम लोग इसको फेस करने वाले हैं आज, और काफी सारे मुश्किल भी आने वाली है। तो देखते हैं रात में वेगा स्टार के ऊपर जो हरकुलिस कॉन्स्टेलेशन है, उसके अंदर जो हमारा ग्रेट ग्लोबुलर क्लस्टर है, हम लोग उसको कैप्चर कर पाते हैं कि नहीं, आप लोग इस वीडियो में देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, मैं जब शूट कर रहा था अपना वीडियो, मेरा जो स्टोरेज था एकदम फुल हो चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम लोग अपने इंटरनल स्टोरेज से जो पूरा जितना भी डाटा हमारा जितना भी है, वो ट्रांसफर करेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर, और फिर शूटिंग स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि हम लोगों को इस समय काफ़ी ज़्यादा फोटो खींचनी है ग्रेट ग्लोबुलर क्लस्टर की इस वीडियो के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना, और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखो मैं कैसे शूट कर रहा हूँ, रुकिए ये दिखाता हूँ। सर्च में गया, कैमरा, हियर इज़ द कैमरा। तो ये देखिए, ये हमारी केबल है, कनेक्टेड है, अभी मैं इसी से डेटा ट्रांसफर कर दूंगा अपने कंप्यूटर के अंदर, और ये हमारा फोन है और ये हम है। तो चलिए डेटा ट्रांसफर करने के बाद मिलते हैं। सो गाइज, अभी मैं जस्ट बाहर आया था, और इस समय काफी खतरनाक स्ट्रोम्स यहाँ पर चल रहे हैं, और काफी सारे क्लाउड्स भी हैं। सो शायद गाइज हम लोग आज के दिन नहीं कैप्चर कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं सुबह। आप लोग यहाँ मौसम भी देख रहे हैं, काफी ज्यादा खराब हो रहा है, बारिश आने का भी आशंका लग रहा है, तो मौसम काफ़ी खतरनाक हो रहा है और बादल काफ़ी ज़्यादा है हमारे ऊपर। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल सुबह। गाइज, ये नेक्स्ट डे है, आज वेदर काफ़ी सही है, मैं आपको रेयर कैमरा से एक बार दिखाता हूँ। तो आज का दिन काफ़ी सही है, क्योंकि क्लाउड्स भी नहीं है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा जो सन है टॉप पे है एकदम,
और काफ़ी भयंकर धूप हो रहा है, और इधर आपको थोड़े बहुत क्लाउड्स दिखेंगे, लेकिन इस सबसे हमको फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि हमारा वेगा स्टार इधर से आएगा और कुलिस कॉन्स्टलेशन यहाँ ऊपर है। तो अब इंतज़ार करते हैं शाम होने का। हे गाइज, इस समय रात हो चुकी है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा टेलीस्कोप एकदम सेटअप हो चुका है, बस अब हम लोगों को अलाइनमेंट करना है अपने ग्रेट ग्लोबुलर क्लस्टर की तरफ अपना टेलीस्कोप। तो चलिए दोस्तों, अब अपने टेलीस्कोप को अलाइन करते हैं हमारे ग्रेट ग्लोबुलर क्लस्टर से। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग M13 क्लस्टर को कैप्चर करना चाहते हो, अगर आप लोगों के पास टेलीस्कोप है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैसे आप लोग ट्रैक कर पाओगे। तो चलिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले आपको स्टेलेरियम ऐप खोल लेना है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद लैरा कॉन्स्टलेशन दौड़ना है जिसमें वेगा स्टार लोकेटेड है। मैं दौड़ता हूँ, ये देखिए हमारा आपको वेगा स्टार दिख रहा होगा, ये है जस्ट इसके ऊपर आप लोग देख सकते हो, यहाँ हमारा हरकुलिस कॉन्स्टलेशन है और यहाँ पर हमारा M13 है जिसको हम लोग ग्रेट ग्लोबुलर क्लस्टर भी कहते हैं, और हम लोग इसको कैप्चर करके दिखाने वाले हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कैसे आप लोग अपने टेलीस्कोप से वो जो है आप उसको कैसे ट्रैक कर सकते हो, कैसे लोकेट कर सकते हो। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो स्टेलेरियम ऐप है आपको अपने फाइंडर स्कोप के पास लेके चलना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, वेगा स्टार से फाइंडर स्कोप को अलाइन कर लेना है बाय द हेल्प ऑफ स्टेलेरियम ऐप। तो यहाँ पर आप लोग इसको अलाइन कर लेना, थोड़ा सा करना है, ये हमारा अलाइन हो चुका है एकदम अच्छे तरीके से। और आप लोग जब इस आईपीएस से देखोगे तो आपको वेगा स्टार दिखेगा और उसके जस्ट ऊपर हरकुलिस कॉन्स्टलेशन है जहाँ पर M13 क्लस्टर है। तो उसको कैप्चर करने के लिए आपको इतना काम तो पहले करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस, क्योंकि आज 35 डिग्री सेल्सियस मतलब सबसे हाईएस्ट गया है हमारे इस नाइट का जहां मैं इस समय खड़ा हूं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो सबसे पहले हम लोगों को अपने टेलीस्कोप से M13 को ट्रैक करना है। तो चलिए ट्रैकिंग करते हैं। सो गाइज, हम लोग काफ़ी देर से M13 क्लस्टर को ट्रैक कर रहे हैं अपने टेलीस्कोप से, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ऊपर देख चुके हैं, सारा खगोल के रख दिए हैं, लेकिन मिल नहीं रहा है, पूरा मूड ख़राब हो चुका है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, शायद ये जो मून लाइट है हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर रही है हमारे M13 क्लस्टर को खोजने में। तो एक बार फिर ट्राई करते हैं, अगर इस बार मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग इस प्रोजेक्ट में करीब 6 दिन से लगे हैं और आज 7वां दिन है। तो देखते हैं हम लोग इसको कैप्चर कर पाएंगे कि नहीं। बने रहिए बस हमारे इस वीडियो के साथ, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो ये सब वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है, तो एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो। Those hazy days I do remember, we were running still, had the whole world at our feet. So finally guys, हम लोगों को M13 क्लस्टर मिल गए, जस्ट हमारे ऊपर एक नंबर का व्यू आ रहा है। मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ, ये हमारे IPS से एक नंबर का व्यू आ रहा है। ओहो रे, ओ हिल गया, पूरा मूड खराब हो गया फिर से, कि मैं फिर से अलाइन करूँ। अरे यार धक, इतना अच्छा अलाइन हुआ था यार, ये मेरा पैर ना पूरा दिमाग खराब कर दिया। मिल गया गाइस, मिल गया। आई मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी से। मजा आ गया यार, एक बार हिला लेकिन दूसरी बार में मैंने सेट कर दिया। 6 दिन की हमारी मेहनत सफल हुई गाइस, ये हमारा 7वां दिन चल रहा है। रुकिए, कुछ आपको दिख नहीं हो रहा होगा क्योंकि मैं लाइट बंद करता हूँ पहले, और फिर दिखाता हूँ। तो गाइज, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा ये M13 क्लस्टर है, जो कि काफी गजब का लग रहा है कि भाई ने कैप्चर कर लिया M13 क्लस्टर को, एक नंबर का गजब का रिजल्ट आया है। और हम लोग देख सकते हैं पूरे पसीने पसीने हो चुके हैं और काफी ज्यादा मेहनत लगी है, तो एक लाइक कर देना और जितने भी डाटाज वगैरह है। तो चलिए हम लोग स्टैक करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं, चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो फाइनली गाइज, हम लोगों ने अपने डेटा वगैरह को यहाँ पर डाल दिया है अपने कंप्यूटर में। आप लोग यहाँ देख सकते हो हम लोगों ने कितनी अभी तक एस्ट्रो फोटोग्राफी कर चुका हूँ। लोगों ने पेनोम्ब्रल लूना एक्लिप्स कैप्चर करा, बिहाई क्लस्टर कैप्चर करा, लैरा कॉन्स्टलेशन करा, आज लोगों ने M13 क्लस्टर कर लिया, फिर सैटर्न भी कर लिया, और हम लोगों ने वीनस भी करा है, लेकिन यहाँ पर अभी वो अवेलेबल नहीं है, वो डिलीट हो गई मेरी फाइल। तो चलिए मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने सारा डेटा वगैरह अपने स्मार्टफोन से इसमें डाल दिया हूँ, और अब मैं इसको स्टैक करता हूँ, देन आपको फाइनल रिजल्ट के साथ मिलता हूँ।
फाइनली दोस्तों हम लोगों ने M13 क्लस्टर कैप्चर करा, वो भी अपने मैनुअल टेलीस्कोप से, और काफ़ी गजब के रिजल्ट्स भी निकल के आए। जितना उसकी कैपेसिटी थी उतना मैं आपको दिखाया, लेकिन दोस्तों इसकी और कैपेसिटी बढ़ा सकता था। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, इंसिडेंट ये हुआ कि मैंने सिर्फ ये जो आपको फोटो दिखाई और वीडियो दिखाई, सिर्फ 20 mm के आईपीस से मैंने कैप्चर करा। मैं 12.5 mm लगाने ही जा रहा था, लेकिन मेरे पैर से फिर वही वाला काम हो गया, पैर से लग गया और वो हिल गया, डिसलोकेट हो गया हमारा जो टेलीस्कोप था उस जगह से। तो हम लोग काफ़ी देर तक फाइंड आउट करें, नहीं मिला, तो मैंने यही अच्छे से एडिट करके फाइनल रिजल्ट आपके सामने पेश करा। आप लोग बताना कि आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ किसी नए एस्ट्रोफोटोग्राफी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।